झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में बस स्टैंड अकलेरा पर भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। भाजपा से 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र से कंवरलाल मीणा का टिकट फाइनल होने पर जश्न का माहौल देखा गया। अकलेरा कस्बे के कंवरलाल मीणा के अंता से भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं में उमंग और जोश दिखाई दिया, मानो जैसे दीपावली का त्योहार आ गया हो। कंवरलाल मीणा ने कहा कि आला कमान मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है उसे पूर्णतया उस पर मैं खरा उतरूंगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रचार प्रसार करूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो प्यार मुझे आज दिया है वह सदैव मेरे ऊपर बना रहे। अकलेरा से हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार मीना की रिपोर्ट। अमित शाह जी ने, माने वसुंधरा जी ने, माने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, चंद्रशेखर जी ने, माने दुष्यंत सिंह जी ने मेरे को अकलेरा से एस्ट के व्यक्ति को, एक सामान्य गरीबी व्यक्ति को अन्नपूर्णा नगरी 12 में अंता जनरल सीट पे मुझे प्रत्याशी बनाया है। मीणा समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम आदिवासियों को जनरल सीट पर चुनाव लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बहुत बड़ा उपकार किया है और इससे भारतीय जनता पार्टी के आड़ोती के सारे मीणा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और फिर ईमानदारी से मैं काम केड़ा बालाजी के ढोंग लगाकर और इस अन्नपूर्णा नगरी अंता को, अंता के कार्यकर्ताओं को, छत्तीसी जाति के सभी लोगों की सेवा करने के लिए। सर, आपके क्या मुद्दे रहेंगे आज में? ये जो आप जहाँ खड़े हैं ये एक तरह से सीमा है, कांकड़ है। इस कांकड़ को ढूंढ देके पूरी ईमानदारी के साथ पूरे अच्छे तरीके से सेवा करूंगा। मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है इस भ्रष्ट मंत्री को इस सीट से हटाकर और इसे समाज को इसे बचाना है। इससे त्रस्त है, इससे दुखी है। ये हमारे समाज के लोगों को लड़ा लड़ा के ये मरवाने का काम कर रहा है। सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा चोर प्रमोद जैन भैया, मैं खामखेड़ा को ढोक लगाकर ये झूठा धार्मिक व्यक्ति बनकर और लोगों को ठकरा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और आप सब लोगों का आशीर्वाद से इसको उखाड़ के फेंके, नष्ट नाबूद कर देंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है, आज मैं कांकड़ को मैं ढोंग लगाकर इस सीमा में प्रवेश कर रहा हूँ। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, ये युवाओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से अंता सीट निकलेगी और इस निकृष्ट व्यक्ति का, इस भ्रष्ट व्यक्ति का नामो निशान इस क्षेत्र से मिट जाएगा।